तो दोस्तों सीधे हम बात करने वाले स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज सेल कंपनी के बारे में। और सेल के अंदर आज हमें यहाँ पर जो है वो प्रोविजनली ऑलमोस्ट 5% के अराउंड की एक ज़बरदस्त गिरावट, और उसी के साथ आज अगेन काउंटर के अंदर हमें यहाँ पर जो है वो एक शार्प नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो देखो दोस्तों, आज जितने भी यहाँ पर मेटल स्टॉक्स है वो सारे के सारे रिजेक्शन लेकर नेगेटिव नोट पे क्लोज हुए हैं, एंड वही रिएक्शन हमें यहाँ पर जो है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंपनी के अंदर भी देखने को मिल गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, लास्ट वीक तक तो स्टॉक जो है वो 140 रुपीज़ के ब्रेकआउट जोन पर ट्रेड कर रहा था। 140 के ऊपर देखो आपको कोई भी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग यहाँ पर जो है वो सेल की देखने को नहीं मिली। दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो है वो भले 140 के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा था बट रिजेक्शंस तो यहाँ पर जो है वो आ रहे थे। एंड फाइनली आज हमें यहाँ पर जो है वो अच्छा खासा आउटकम भी देखने को मिल गया, एक शार्प रिजेक्शन रेजिस्टेंस से आ गया। तो अब यहाँ पर फर्दर विजन क्या है, तो 130 इसका राउंड नंबर सपोर्ट है, अगर उसको ब्रेक किया तो और 5 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिलेगी 125 तक। 125 से लेकर 120 एक मेजर सपोर्ट जोन है जहाँ से सेल के अंदर वापस से शायद से हमें एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिल जाए। अगर इस जोन से मान लो स्टॉक रिवर्सल लेता है, आपको अगर बाइंग करनी है आप डेफिनेटली कर सकते हो, बट ये वीडियो को फाइनेंशियल रिकमेंडेशन कैलकुलेट मत करना, वो एक डिमांड जोन है, लेकिन खरीदारी करने से पहले आपको अपने एडवाइजर से कंसल्ट ज़रूर करना है।